हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक रिक्वायरमेंट निकली है जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में कंपनी जो है वो बेवरेज एंड कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनी है। ठीक है, आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपको लिंगाला या फ्रेंच इनमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए। और ये जो जॉब होगी वो आपकी अफ्रीका में होगी, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है। कंपनी की तरफ से आपका खाना पीना रहना सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। जो सैलरी होगी मिनिमम 1500 से लेकर और मैक्सिमम कोई मतलब लिमिट नहीं है। इट्स रिलेटेड टू योर इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं और अच्छे से आपका इंटरव्यू हो जाता है तो डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू कि आपकी सैलरी पैकेज क्या डिसाइड होती है। ठीक है, तो गाइज ये जो जॉब है उसमें आपका एयर फेयर का खर्चा, कंपनी की तरफ से ट्रैवलिंग का खर्चा, वीज़ा का खर्चा सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। आप डायरेक्ट इस कंपनी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले से ही कहती आती हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी इस कंपनी की डिटेल डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके आप उस जो कंपनी की मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको लेकर आप वहाँ पे अपना जो सीवी है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं कंपनी को डायरेक्ट। और वो सीवी अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो कंपनी की तरफ से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। इंटरव्यू जैसे ही क्रैक होता है तो कंपनी की तरफ से ही आपको जो फिक्स्ड हो जाएगा टाइम कि किस टाइम पे आपको वहाँ पे अफ्रीका में जाना है, उस टाइम के लिए आपको टिकट जो है कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। और उसी डेट का जो है आपका वहाँ पे आप जाएंगे, एयर फेयर का खर्चा कंपनी की तरफ से ही होगा, वीज़ा आपका कंपनी अप्लाई करेगी। मोस्टली जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 से 2 साल का होता है, 1 से 2 साल तक आपको वहाँ पे जॉब करनी होती है। उसके बाद जो है वो 1 से 2 महीने की छुट्टी मिलती है जिसमें आप इंडिया आकर रह सकते हैं। तो जिस किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जो है सेल्स में है, 8 से 10 साल का सेल्स और मार्केटिंग में है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।